एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश के बाद उज्जैन शहर की प्रमुख सड़कों पर तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई हो रही है। उज्जैन जिले में कई प्रमुख सड़कें हैं जो कई राज्यों को जोड़ती है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों के कई लोग उज्जैन आना जाना करते हैं। बड़ी संख्या में और तेज गति से दौड़ते हुए वाहनों की वजह से कई बार बड़े हादसे घटित होते हैं। उज्जैन पुलिस के द्वारा तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें समझाइश दी जा रही है कि वह आबादी क्षेत्र, रहवासी क्षेत्र जैसे सड़कों पर निर्धारित गति पे चले ताकि दुर्घटनाएं घटित ना हो। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश के बाद तेज गति से चलने वाले वाहन चालक को समझाइश दी जा रही है एवं उनके पेपर चेक किए जा रहे हैं और जो वाहन तेज गति से चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। देखने में आया लगातार ओवर स्पीडिंग की वजह से दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं उज्जैन में भी, एमपी में भी। एमपी सेकंड नंबर पे है दुर्घटनाओं के मामले में ओवर स्पीडिंग के वजह से पूरे भारत में, और भारत विश्व में नंबर एक पर है दुर्घटनाओं के मामले में, मृत्यु के मामले में। दुर्घटनाएं तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती है, मृत्यु सबसे ज़्यादा भारत में होती है। तो ओवर स्पीडिंग का इस कैमरे से कैप्चर करके जो भी गाड़ी रैश ड्राइविंग करते हुए पाई जा रही है 100 या 100 से ज़्यादा स्पीड में, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी कैपेबल नहीं है 85-86 की स्पीड, 90 की स्पीड में चलने में, उनको रोक कर उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।